हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? अंडरस्टैंड द ड्रामा। तो आज हम जानेंगे कौन सा ड्रामा है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। और उसके पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था अबाउट द सोलर एक्लिप्स, 25 अक्टूबर से को होने वाला है। सूरज की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हमारे चांद की तो बात कर लें, जो आने वाली है शरद पूर्णिमा। ठीक है, मैं हर साल शरद पूर्णिमा पे एक रिचुअल करती हूँ। जिन्हों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगभग 3 साल से, अगर लिंक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर टैग कर दीजिए, मैं पिन कर दूँगी। तो शरद पूर्णिमा 16 कलाओं का हमारा जो चांद होता है, इस संडे को जो हमारी शरद पूर्णिमा है, वो दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हमें बेसिकली रिचुअल करना चाहिए। हम लोग, मैं बेसिकली हर साल कुछ मीठा बना के रखती हूँ चांद पे, और मैंने एक वाटर वाला भी रिचुअल बताया है, क्योंकि ये जो जल होता है ये बड़ा ही हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके घर से दूर कर देता है। कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, आपके स्किन इश्यूज़ हील हो जाते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जिसको कहते हैं मनी, लव, केयर, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने हर साल रिचुअल बताए हैं, आप पास्ट के भी वीडियोस देखिए, वरना मैं कमेंट्री में भी पोस्ट कर दूंगी। तो इस शरद पूर्णिमा का भरपूर उपयोग कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने घर के बाहर रात के वक्त थाली में थोड़ा सा या किसी वेसल में पानी भर के उसमें चांद को देखिए, और चांद को देखने के बाद अपने मन की जो भी आपके इंटेंशंस हैं, सबसे बेस्ट इंटेंशंस होते हैं कि हे प्रभु मुझे अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचाइए, हे प्रभु जिस मकसद से आपने मुझे यहाँ भेजा है, इनकार्नेट किया है, उस मकसद को पूरा कीजिए, प्रभु के आप सबसे प्यारे बच्चे बन जाओगे। है ना, बहुत ही खूबसूरत बात। और जब मैं मखाने की खीर बनाती हूँ ना, तो वो जो प्रसाद होता है, हाँ, मेरा दिन बन जाता है। और आगे का हमारा जो 10-10 पोर्टल है, सोचिए कि ये संडे को होने वाली शरद पूर्णिमा और उसके बाद ये प्रसाद चखने के बाद जो 10-10 पोर्टल को आप वेलकम करोगे, तो आगे तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा ही होना है। ठीक है ना, तो हुई ना एक मस्त बात। अब बात करते हैं कल की मेरी चैनलिंग की। मैं कल, देखिए जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वक्त 8:08 का टाइम हो रहा है, ये कन्फर्मेशन दे दिया मेरे यूनिवर्स ने कि कितने खुश हैं वो। थैंक यू यूनिवर्स। ये जो मेरी चैनलिंग है, मैं चाहती हूँ आप सब क्लेम करिए, सबको ये चैनलिंग, सबकी इच्छा पूरी हो। लेट्स स्टार्ट। तो कल थोड़ा सा मैं व्यस्त थी और मुझे कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए रिसीव हो रही थी, मैंने अपने वर्क प्लेस से ही आपको कमेंट्री में कल डाला था। मैं पहले रीड कर लेती हूँ, आप में से बहुत लोगों ने वो देखा है। आई एम सेंसिंग समवन वांट्स टू टेक रेस्ट, फीलिंग लिटिल टायर्ड, नीड्स हीलिंग, प्लीज टेक फुल रेस्ट बिकॉज इट्स टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जीज आर एंटरिंग, Please invite new energies, let go old because now old patterns are not at all going to serve. Old energies are not going to serve. It's report card time, new growth, new success, reunions, many reunions, job progress and eternal peace and happiness. Please welcome new energy. तो जो बहुत ही क्लियर कट मैंने चैनलिंग कल लिखी थी, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट हाँ, क्या ड्रामा है इसके, इस चैनलिंग के बीच में, ये मैंने बाद में समझा, दैट आई नीड टू शेयर विथ यू। तो डेफिनेटली ये बहुत ही वेलकमिंग एनर्जी है, आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल रिसीव, कहते हैं रिसेप्टर मोड में आना है, रिसीव करना है, क्लेम करना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए। अब मैं पहले समझाती हूँ, बट यस, डिस्क्लेमर, जिनको ये लगता है कि ये जर्नी भ्रम की जर्नी है, ये चैनल उनके लिए है ही नहीं। आज से पहले हम लोग जानते नहीं थे कि प्लीडियंस होते कि नहीं, ऑक्चूरियंस होते कि नहीं, तब तक हम कहते थे कि प्लीडियंस क्या होता है, ऑक्चूरियंस क्या होता है। अब हम जानते हैं कि या प्लीडियंस होते हैं, ऑक्चूरियंस होते हैं, ठीक है, स्टार सीड्स होते हैं, इसी प्रकार ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये जर्नी होती है। जिनको लगता है ये जर्नी इल्यूजन की है, ये चैनल उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ट्रू ट्विन फ्लेम्स, लेट्स अंडरस्टैंड।
ये जो टाइम आ रहा है, ड्रामा बताती हूँ आपको। आप लोग स्कूल गए हो, ठीक है, क्या होता था स्कूल में जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे उसके पहले हम भरपूर मेहनत करते थे, ठीक है, भरपूर मेहनत करते थे। उसके बाद हमारी कुछ दिन की छुट्टियां लग जाती थी, जो मुझे याद है कि मतलब 15 दिन की छुट्टियां होती थी, उसके बाद रिपोर्ट कर आता था। उस छुट्टी में हम क्या करते थे, रेस्ट करते थे, रिलैक्स करते थे, इन्जॉय करते थे। साल भर जो हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई करें, हम लोग खेलते थे, मस्ती करते थे, फ्रेंड्स लोगों से मिलते थे। हम लोग, आपको किसी से मिलना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड आता था। कुछ ऐसा ही है कि आपने, मैंने आपको बहुत टाइम से एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, 12-12 पोर्टल, याद करिए मेरी चीज़, 10-10 न्यू बिगनिंग, ठीक है। अब सब डॉट्स को ज्वाइन कीजिए। तो अभी जो आपने इतनी मेहनत करी, ठीक है, उसके बाद अब जो इतने सारे कार्मिक क्लियरिंग्स किए 7-7 पोर्टल पे, 8-8 पोर्टल पे कार्मिक्स रिलीज किए, ठीक है, इतने सारे टेस्ट दिए, तो अब टाइम हो गया है आपके रेस्ट करने का। क्योंकि अब न्यू एनर्जीज, अब आपको नए, आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा और आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिलने वाला है। मतलब न्यू एनर्जीज, न्यू डायमेंशंस, ठीक है, आपकी न्यू एनर्जीज को इनवाइट करना है तो आपको भी रेस्ट करना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको इनर वर्क नहीं करना है, ठीक है, इनर वर्क करना है, बट अब किसी भी प्रकार का, जैसे आपको बॉडी में पेन हो रहा है, आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा हो सकता है कि कुछ हेडेक्स हो रहे हैं, या कुछ बॉडी में पेन हो रहा है, या एनजाइटी वाली फीलिंग हो रही है, या नौशिया फीलिंग हो रही है, या आपको ऐसे लग रहा है कि हल्का हल्का फीवर सा आपको फील हो रहा है, या कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या कुछ आपको चक्रा में सेंसेशन फील हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि आपकी अपनी ही नेगेटिविटी आपको फील हो रही हो, ठीक है ना। तो आपको एक प्रकार से नेक्स्ट डायमेंशन में, नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करनी होती है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो भी आपका हल्का फुल्का नेक्स्ट, जो आपका रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, जो भी चीज़ें सेंसेशंस फील हो रही हैं उस टाइम का मतलब यही है कि प्रोसेसिंग्स चल रही हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, आप प्लीज़ रेस्ट करिए, रेस्ट एंड इनर वर्क। इस टाइम पे कोशिश करिए कि किसी प्रकार का डीएम से बहुत ज़्यादा मिलना एंड इंटिमेसी अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला है न्यू डायमेंशन में। आपको कम से कम 6 डायमेंशन तक तो जाना ही जाना है इस जर्नी पे। ये आपको डिसाइड ही नहीं करना कि मैं पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि थर्ड आई पे ही आपका यूनियन होता है, आपकी बैलेंसिंग थर्ड आई पर ही होती है। आपको 6 डायमेंशन तो मिनिमम अपने आप को लेके जाना है, और ये फोर्सफुली नहीं होगा, ये आपके जब मैं कहती हूँ कि थर्ड आई तक पहुँच जाए, मतलब ये नहीं कि चक्रास में आप बहुत सारा चक्रास करने बैठ जाइए 1-1 घंटा, नहीं, ये आपकी हीलिंग क्लेंजिंग से जो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, जो समझ लीजिए वो मीटर ऊपर जा रहा है, वो थर्ड आई को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन वो आपकी क्लेंजिंग हीलिंग टेस्ट से होता है, आपके टॉक्सिन जितने रिलीज हो रहे हैं उस हिसाब से होता है। तो बेसिकली अब आप एक रिसीविंग मोड में आ गए हो, ठीक है ना। रिसीविंग मोड मतलब क्या रिसीव करना है, डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो रिसीव होंगी। मटेरियलिस्टिक मतलब कि आपको अच्छी जॉब, अच्छी ग्रोथ, अबेंडेंस, मनी, ठीक है ना, लाइफ में फैसिलिटीज़, क्योंकि अपर चक्रास जब इंसान आ जाता है ना, जब व्हेन यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, ये लोअर एनर्जीज के जो पेन्स होते हैं ये हमारे लिए ख़त्म हो जाते हैं, राइट। स्कैसिटी, कमी, दुख, पैसे की कमी, सब चीज़ें सब लोअर चक्रास के सिचुएशंस होती हैं। अपर चक्रास में आते आते इन सिचुएशन से आप ऊपर उठ जाते हो, ठीक है ना, आपके लिए ये कमियाँ नहीं बचती हैं, ये पेन्स नहीं बचते हैं, ठीक है। तो आप मटेरियलिस्टिक थिंग तो एन्जॉय करोगे ही, ठीक है ना, साथ में आपको डिवाइन गिफ्ट्स भी मिलेंगे। जब प्रमोशन होता है, मैंने बार बार रिपोर्ट कार्ड कहा था, तो रिपोर्ट कार्ड के साथ डिवाइन आपको गिफ्ट्स भी देता है कि उसमें आपके साइकिक पावर्स, साइकिक एबिलिटीज, आपको हो सकता है आप में से बहुत से लोग क्लेरोवॉइंट, क्लियर सेंटेंस, एनीथिंग, ठीक है, आपको इंट्यूशन पावर्स या कुछ भी, आपको एस्ट्रल प्लेन पे आपको आपकी पावर्स, सब चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। आप किसी का ऑरा देख सकते हो,
बहुत सारे जो भी आपकी साधना के हिसाब से जो भी डिवाइन के गिफ्ट्स होते हैं, एनी थिंग, पर इस पर भी हमको ऑब्सेस्ड नहीं होना है. किसी भी डिवाइन पावर के लिए अगर आप ऑब्सेस्ड होगे वो आपको नहीं मिलेगी. जस्ट गो विद द फ्लो. जो चीज़ आती जा रही है उसको रिसीव करिए, एम्ब्रेस करिए, ग्रैटिट्यूड करिए, दैट्स इट. ऑब्सेस्ड नहीं होना है. सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम रिसीव करने के पहले जो चीज़ लेट इन होनी है उसके पहले लेट गो करना है. आपके लाइफ में ऐसे सोलमेट्स आएंगे, ऐसे सोलमेट्स नहीं, ऐसे कार्मिक्स आएंगे जो सोलमेट की फॉर्म में दिखेंगे. मतलब आपको लगेगा कि वो आपके एक्स पास्ट लवर्स हैं जो रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक. तो कार्मिक्स जो सोलमेट लगेंगे, ठीक है ना, उन ये अगेन आपको ट्रिगर, आपको टेस्ट लेने आ सकते हैं. ये टेस्ट होता ही है, कोई भी गिफ्ट भगवान बिना टेस्ट लिए नहीं देता है, ठीक है ना. तो अगर इस टाइप के आ रहे हो तो उनको लेट गो करो. लेट गो ओल्ड एनर्जीज दैट आर नॉट सर्विंग यू, ठीक है. जब आप या फिर ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माहौल, ऐसी जॉब, ऐसे लोग, ऐसे हालात जहाँ पर कि आपकी सोल आपको अग्री नहीं कर रही है, बट आप सिर्फ एक ही, यार मेरी जॉब छूट गई तो मुझे अगली मिलेगी कि नहीं, मैं एक गलत माहौल में रह रही हूँ, एक गलत लोगों की इच्छाओं को फुलफिल कर रही हूँ, वरना वो कहीं बुरा ना मान जाए, ठीक है ना. समटाइम्स डीएम के भी, अच्छा डीएम के बारे में बात में बोलूँगी, तो डीएम के बहुत अच्छे, मुझे जो मेरी चैनलिंग परसों की थी, आप लोग के कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं. एंड प्लस इस वक्त डीएम जिन्होंने इनर वर्क किया है उनके डीएम की थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो रही है. वो लोग अब रियलाइजेशन की कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में है, आपसे मिलना चाहते हैं. बहुत से डीएम का मुझे आया है कि हाँ वो आपसे मिलना चाहते हैं. तो मिलने के टाइम को लेके मैं एक आप लोगों को वार्निंग दूंगी, आप मिलिए, प्रोटेक्शन लेके मिलिए, सेशन का चार्ज यूनिवर्स को दीजिए, इस कम्प्लीटली फाइन. रेस्ट्रिक्ट और अवॉइड इंटीमेसी, ठीक है, इतना ही मैं बोलूँगी. तो क्योंकि आपके डीएम को में चेंजेस भी आ रहे हैं, उनको आपकी हीलिंग एनर्जी भी चाहिए, ठीक है. वो अपने लिटरली वो अपने नार्सिसिस्टिक डीएम तक चेंज हो रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं. एंड इट्स अ रियली लिटरली 10-10 पोर्टल का ये एक बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब ये है एक इम्पोर्टेंस है इस पोर्टल की, कि नार्सिसिस्टिक डीएम भी अपने ओल्ड जो उनके पैटर्न हैं, रवैये से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी एंड द अवेकनिंग प्रोसेस. तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज, न्यू एनर्जीज हैं, बहुत ही हैप्पी एनर्जीज हैं, बहुत ही वेलकमिंग एनर्जीज हैं, ठीक है, बहुत ही पायस एनर्जीज हैं. इनको आप रिसीव करिए, क्लेम करिए. बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं, उनको जिनका होता है वो एम्ब्रेस करें, जिनका नहीं हो रहा है वो ये इंटेंशंस दें कि हमारा भी होगा. आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको डाउन नहीं होना है. सबके कर्मा, सबके प्रारब्ध, सबके इनर वर्क के हिसाब से सबकी सिचुएशन अलग होती है, ठीक है ना. तो आपको पॉजिटिविटी से ही एनी हाउ आपको अपना कोई नेगेटिव नहीं सोचना है. या रिसेंटली आपके डीएम ने ब्लॉक कर दिया तो सब चीज़ जिंदगी में ख़त्म ही हो गई, आगे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. नहीं, कहीं ब्लॉक किया है तो कहीं आपके अंदर ब्लॉकेज है, राइट. जब भी मुझे बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है, मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, उसकी तो शादी हो गई, मतलब कि अब मैं इनर वर्क, एक तो मुझे कहा मैंने इनर वर्क करना छोड़ दिया, लिखा है मुझे व्हाट्सएप पर, मैं अब इनर वर्क नहीं करूँगी. हाउ सेल्फिश यू आर, मतलब कि आप इनर वर्क डीएम के लिए कर रहे थे. नहीं, उसने ब्लॉक किया है, मतलब आपके पास ब्लॉकेज है. ये ट्विन जर्नी है. इसको अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ देखोगे कि यार वो तो हमें डोमिनेट कर रहा है और हम उसको उसके लिए इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये तो सोच ही सेल्फिश है वाली है. जो लोग ये सोचते हैं कि वो हमें ट्रिगर कर रहा है और हम उसके लिए इनर वर्क कर रहे हैं, हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये आपकी सोच है. आप कितने स्वार्थी हो कि आपको वो प्यार करेगा तो वो अच्छा है, वो प्यार नहीं करेगा तो वो बुरा है. एवरीवन इन दिस, आप कर्मा की भी बात करते हो आप, और आप उनको बुरा भी बोलते हो. अगर वो बुरा है तो आपका कर्मा है, अगर वो ब्लॉक कर रहा है मतलब आपका ब्लॉकेज है, दैट नीड्स टू हील. तो अपनी सोच को अच्छा उठाइए, ग्राउंडेड बनिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में आइए, एक्सेप्टेंस के मोड में आइए. मैं बार बार ये एनलाइटमेंट के वर्ड्स बार बार हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि शायद मेरे ये वर्ड्स बार बार आपको पोक कर करके आपके सबकॉन्शियस में आपकी प्रोग्रामिंग को चैनल से ही हील कर देंगे, राइट.
और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, लिटरली कुछ किसी प्रकार की आपको हेल्थ इशू है, कुछ बीमारी इस प्रकार से है. अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि अपना ब्लड प्रेशर टाइमली चेक करते रहिए. ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे हमको किसी भी हेल्थ के साथ खेल नहीं खेलना है. मैं बार बार ये भी टाइमली आपको रिमाइंड करती हूँ. एक इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे ले आइए, टाइमली वंस इन अ मंथ चेक करिए. जब भी यू आर फीलिंग सो मच ऑफ द सेंसेशन इन योर हार्ट, फर्स्ट चेक योर ब्लड प्रेशर एंड देन यू कैन टेक इट एज अ सेंसेशन ऑफ दिस एनर्जी. ये नहीं कि 10 चैनल पे सुन लिया कि हाँ चक्रा हार्ट पे पेन हो रहा है, स्पिन हो रहा है, तो हम अपने हेल्थ के संग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई भी नहीं लेगा. ठीक है, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है. ठीक है, सो एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगी कि न्यू एनर्जीज आ रही हैं, उनको वेलकम करिए, उनको क्लेम करिए, अपना रेस्ट लीजिए, इनर वर्क करिए, और मेरे इस कुछ पॉइंट्स को अपने बिल्कुल सबकॉन्शियस में डाल दीजिए कि हमें गो विद द फ्लो रहना है, वही होगा जो डिवाइन का प्लान है. डिवाइन पे ट्रस्ट करिए. आपको नहीं पता है कि आज जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं वो कल किस लिए आज आपके फेवर में नहीं हुई, वो कल होंगी. देन यू कैन जॉइन द डॉट कि हाँ कल जब मैं भगवान को जज कर रही थी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी, बट अच्छा हुआ, राइट. एंड मुझे कुछ ऐसे लोगों के आ रहे हैं कि उनको कुछ सपोज कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्लीज़ आप NLP जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनसे अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग सिस्टमेटिक मैनर में कराइए, क्योंकि जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं एग्जैक्टली सबकॉन्शियस हीलिंग हम नहीं कर सकते आपकी, बिकॉज पहले सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए पहले आपको एग्जैक्टली पता तो होना चाहिए आपके आपके जो अंदर के जो माइंड के डिटेल में आपको डिटेलिंग्स पता होनी चाहिए, हाउ एवरी कैसे आपके हॉर्मोन्स की चेंजिंग होती है, कब डोपामिन रिलीज होता है, कब सेरोटोनिन रिलीज होता है, किस एक्शन से क्या होता है. आप अपनी हेल्थ के साथ जो इस वक्त किसी प्रकार के हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, प्लीज़ आप किसी डॉक्टर या NLP प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करिए. इस प्रकार से अपने हेल्थ के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हैं. टाइमली मैं ये गाइड करना मेरा फ़र्ज है. ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है. आप लोग अपना ध्यान रखिए और उस शरद पूर्णिमा के ओकेजन को बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, बहुत एंजॉय करिए, उसके बेनिफिट्स लीजिए और न्यू एनर्जी 10-10 पोर्टल की एनर्जी को वेलकम करिए. अगर आप वेलकम करोगे ना तो आपका आगे आने वाला टाइम बिल्कुल बहुत ही सेलिब्रेशन वाला होगा. ये आप लिख लीजिए, अपना ध्यान रखिए.